विधानसभा चुनावी जंग के तेज होते तेवरों बीच कुरुक्षेत्र लोकसभा से पूर्व सांसद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र पहुंचे और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा अब की बार सभी अच्छे और मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी कांग्रेस कम से कम 50 सीटें जीतकर अपनी सरकार तीसरी बार भी बनाएगी। जिंदल ने कहा लोकसभा चुनावों में लहर प्रभावित होती है, लेकिन विधानसभा चुनावों में मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत तौर पर जानता है। साथ ही कहा जनता अवसरवादी लोगों को माफ नहीं करेगी और कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी। विधानसभा का चुनाव जो है वो तो एक मैन टू मैन चुनाव होता है, इसमें लोग जो है एक एक उम्मीदवार को अच्छी तरह जानते हैं। लोकसभा के चुनावों के अंदर तो कई बार बिना उम्मीदवार को जाने भी, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका होता है और उसके अंदर वेव ज़्यादा चलती है, लेकिन विधानसभा के चुनाव के अंदर हर व्यक्ति जो है उम्मीदवार को खुद पर्सनली जानता है। तो इसलिए और विधानसभा के अंदर वो लोग ये देखेंगे कि हरियाणा के अंदर किसने काम किया है, किसने यहाँ पर लोगों की सेवा की है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 सालों में सेवा की है, हर वर्ग के लिए काम किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा की जनता अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को ही देगी। इंडिया 24 के लिए कुरुक्षेत्र से परमिंदर सिंह की रिपोर्ट।